कौन सी बड़ी कुर्बानी दी है ऋतिक रोशन ने? क्या इस बार कृष्णपुर में चारों ओर होंगे सिर्फ ऋतिक और कृष्ण? प्रियंका करेंगी कृष्णपुर में वापसी या फिर न्यू हीरोइन से होगी उनकी रिप्लेसमेंट? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई फ्रेश वीडियो में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। इंडियन सिनेमा के देसी ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की कृष मूवी ने हमेशा से ही बॉलीवुड में जोरदार धमाका किया है। कृष इंडिया का इकलौता पहला सुपर हीरो है जिसका कनेक्शन सीधे दूसरे प्लैनेट के एलियन के साथ है। कृष फ्रेंचाइज की शुरुआत कोई मिल गया मूवी से हुई थी जिसमें जादू आया था जो कि दूसरे प्लैनेट का एक प्राणी था। कोई मिल गया के सीक्वल में रोहित मेहरा की कहानी को जारी रखते हुए सीक्वल आगे बढ़ता है और फिल्म के हर सीक्वल की कहानी काफी यूनिक और थ्रिलिंग रही है। कोई मिल गया फिल्म 2006 में भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट थी जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स और स्टंट भी थे जिसने लाखों भारतीयों को हैरानी में डाल दिया था। और दोस्तों बता दूं कि बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन के अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म कृष 4 में डबल रोल निभाने के काफी हाई चांसेस हैं। कृष 4 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन दोस्तों राकेश रोशन के डायग्नोस के कारण जो स्किन कैंसर के कारण फिल्म प्रोडक्शन को रोक दिया गया था। अब राकेश रोशन स्वस्थ हैं और इसलिए अब फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू हो गया है। अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म कृष के चौथे सीक्वल में काम करने के लिए ऋतिक रोशन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। दोस्तों बता दूं कि खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन की साल की एक काफी बड़ी और महंगी वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी लेकिन उन्हें इसी साल से कृष 4 की तैयारी भी शुरू करनी थी जिस वजह से उन्हें इस वेब सीरीज से बाहर होना पड़ा। अभी तक देखा गया है कि बॉलीवुड के मोस्ट हाई रेटेड एक्टर्स वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। सभी को अपनी अपनी कोई ना कोई वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती जा रही है लेकिन दोस्तों ऐसे में फैंस की डिमांड थी कि ऋतिक रोशन की भी कोई वेब सीरीज लेकर आए। इस वेब सीरीज को प्रीति जिंटा प्रोड्यूस करने वाली थी लेकिन ऋतिक रोशन पहले फैंस की पुरानी डिमांड पूरी करना चाहते हैं। सालों से फैंस देश के इस पल का इंतजार कर रहे थे जिस वजह से दोस्तों ऋतिक रोशन ने फिल्म को वेब सीरीज से पहले रिलीज करना ज्यादा जरूरी समझा है। दोस्तों बता दूं कि फैंस के लिए अपने सुपर हीरो को देखने की खुशी ऋतिक रोशन को किसी और कैरेक्टर में देखने से ज्यादा होने वाली है। दोस्तों बता दूं कि कृष का चौथा सीक्वल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और पिछले तीनों सीक्वल में ऋतिक रोशन ने डबल रोल निभाया है दोस्तों दूसरी तरफ कृष्णा के पिता रोहित मेहरा का। लेकिन थर्ड सीक्वल में हमने देखा कि एंडिंग में रोहित मेहरा की मौत हो जाती है और कृष का बेटा पैदा होता है। इस फिल्म से रिलेटेड जितनी अभी तक खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि फिल्म में रोहित मेहरा के किरदार को वापस लाया जाएगा। साथ ही दोस्तों अपने बेटे का किरदार भी ऋतिक रोशन ही निभाएंगे यानी कि ऋतिक रोशन के चौथे सीक्वल में तीन किरदार होने तो फिक्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो अपने बेटे का किरदार खुद निभाते हैं तो इस बार दोस्तों पिता बेटे और पोते का किरदार यानी कि तीनों जनरेशंस में इस बार सिर्फ और सिर्फ हमें ऋतिक रोशन फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि ये ऋतिक रोशन की होम प्रोडक्शन पर है जैसे भी उनकी खुद की जेब से जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब तो ये नहीं कि फिल्म में वो किसी और को हीरो के लिए जगह छोड़े ही ना। अभी तक तो ठीक था, समझ में आता था कि तीनों किरदार ऋतिक रोशन से मेल खा रहे थे। बता दूं दोस्तों कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक रोशन ने अपनी एक इच्छा सामने रखी है। उन्होंने बताया कि वो एक कृष के सीक्वल में एक विलन का किरदार निभाना भी चाहते हैं। दोस्तों विलन बनना काफी समय से ऋतिक रोशन की एक दिली ख्वाहिश बनी हुई है। यानी कि तीन रोल में ऋतिक रोशन पहले ही नजर आने वाले थे वहीं क्या फिल्म के फोर्थ सीक्वल में नेगेटिव किरदार भी ऋतिक रोशन निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं जो कृष की स्टार कास्ट में उन्हें सिर्फ बची है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म की हीरोइन जिसका किरदार पिछले दोनों सीक्वल में प्रियंका चोपड़ा निभाती हुई नजर आई हैं। तो दोस्तों बता दूं कि कृष के चौथे सीक्वल में ऋतिक रोशन के साथ नेगेटिव कैरेक्टर में एक हीरोइन नजर आने वाली है। जो किरदार फिल्म के सीक्वल में कंगना रनौत ने निभाया था उसी तरह का किरदार फिल्म में इस बार दूसरी बॉलीवुड दीवा निभाती हुई नजर आने वाली है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा का फिल्म में किरदार होगा या नहीं ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि दोस्तों फिल्म को पूरी तरीके से रोहित मेहरा और सभी के फेवरेट एलियन जादू के आसपास ही दिखाया जाएगा लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि फिल्म के बाकी लीड रोल्स में ऋतिक रोशन ही अलग अलग किरदारों में नजर आने वाले हैं।
क्योंकि दोस्तों और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। दोस्तों क्या कहना है आपका, कि फिल्म के छोटे सीक्वल में आप सिर्फ ऋतिक रोशन को ही देखना पसंद करेंगे? तो दोस्तों आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं और आप इस कंसेप्ट से क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर हैं कोमल तिवारी।